हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दिखा रखी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? वेलकम बैक माय चैनल ब्लॉग। ये मस्त नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और मम्मी ने भी कहते हैं कि खाना बना दिया है, नहा भी लिया है। और ये अभी भगवान जी के लिए ले जाऊँगा मैं ऊपर, कहते इसको थाली को। और आज मैंने खुद टीका लगा रखा है तो मुझे ज़्यादा महान टीका लग रहा है, खतरनाक वाला। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं खीर वगैरह मम्मी रख देंगी, तो उसके बाद फिर ऊपर ले जाऊंगा मैं। बाकी तो आप सभी लोगों को हैप्पी हरेला, हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एकदम मजा आ रहा है। मम्मी ने खीर पूरी वगैरह सब कुछ रख ही दिया लगभग लगभग। खीर बस थोड़ा सा खीर रह गई है। ये क्या है? ये दाल छोपने वाला है, पहली बार देखा मैंने। सब्जी नहीं बनाई मैंने क्योंकि अभी दाल छौंक देते, स्टूडियो जाना है। हाँ देखो ये, हटो 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 हटो, अब छटकने वाला है। नहीं कोई नहीं, चलो फिर अभी तो मैं जल्दी जल्दी से रख के आ जाता हूँ। उसके जब ऊपर जाऊँगा उसके बाद उस टाइम आपको मिलूंगा। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में और आप सभी लोगों को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। खाना पीना हमारा जो है सारा का सारा बन गया है, खीर पूरी दाल वगैरह सब कुछ बनाई है। और थोड़ा सा भैया के घर से पुए और बाड़े आ गए थे तो सारी चीज़ें जो है निपटा ली हैं। ये मेरा डिटॉक्स वाटर है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पी रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए करके। काम हम हो गया है, नाश्ता करना है, नाश्ता खाना जो भी आप समझो, उसके बाद हम लोगों को निकलना है स्टूडियो की तरफ को। रिकॉर्डिंग है कुछ जिसके बारे में जल्दी आप लोगों को पता चलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो फिलहाल अभी तो थोड़ा सा जो है ब्लॉगिंग का काम कर लेते हैं। जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन आप लोगों को पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह से उठ के मैं भी काम वाम में लगी हुई थी। अभी जस्ट थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो अब मैं क्या करती हूँ जो है ब्लॉग का काम, एडिटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। फिर जैसे ही निकलेंगे उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी मित्रों, दक्ष तो अभी सो गया है और स्टूडियो जाना भी हमारा कैंसिल हो गया किसी काम से, क्योंकि आज हरेला का त्यौहार है तो सब लोग अपने घरों में जो है ना गए हुए हैं यहाँ वहाँ त्यौहार मनाने के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो कल जाएंगे हम लोग स्टूडियो में। मैं तो अपना जो है ब्लॉग का काम कर रही थी, दक्ष को थोड़ा सा गाना वगैरह कुछ दिया था मैंने सुनने के लिए, तो उसको ना नींद आ गई क्योंकि वो सुबह मुझसे भी जल्दी उठ गया था ट्यूशन जाने के लिए। तो उससे मैंने कहा उसको सोने ही देते हैं, अभी बज रहे हैं 11, उठा दूँगी उसे 2 बजे तक खाना वाना खिलाने के लिए। नाश्ता तो उसने कर ही रखा है, खीर बची हुई है अभी भी, दाल मैंने बनाई रखी, उसी के साथ हम लोग रोटियाँ चावल जो कुछ भी है वो बनाएंगे। मौसम हो रहा है ऐसा कि कभी भी बारिश आ सकती है। ये देखो आप लोग, बाहर को किसी भी टाइम बारिश आ सकती है और मेरे कपड़े छत में डले हुए हैं, हम छत में कपड़े फैला रखे हैं, वो कपड़े सूख जाएँ उसके बाद आ जाए बारिश, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हरेला के दिन बारिश आती ही है, बट देखो क्या ही होता है। ओके, उठ गया था और अभी खेल रहा हूँ अपनी गेम। बाकी तो कुछ नहीं, खैर बारिश हो रही है अभी, 5 बज रहे होंगे। और जैसे जैसे मैसेज आए थे ना कि 12:30 बजे इतनी तेज़ बारिश होने वाली है, इतनी तेज़ बारिश आने वाली है, बारिश तो हुई बस उतनी धीरे हुई बहुत, और ऊपर से 12:30 यानी 5 बजे हुई बारिश, अभी तेज़ भी नहीं हो रही का बिल्कुल भी, नॉर्मली हो रही है। ले जाऊँगा। बाकी तो जब से मैं उठा तब से मैंने 2 कटोरी खीर खा ली है और अभी 3 कटोरी रखी है बाहर नॉर्मल होने के। चलो फिर अभी तो कुछ रेस्ट वगैरह कर लेता हूँ, सोने सो के उठने के बाद वैसा होता है ना, आलस टाइप का आता है ऐसा। 5:30 बजे तक रुक जाएगी बारिश तो सही रहेगा, मैं चले जाऊँगा खेल के बाहर। चलो अब मैं फ़ोन वगैरह खेलता कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगा। 6 करीबन बज गए हैं और क्या कहते हैं, बारिश हो रही है अभी बाहर, अभी तो रुक गई है, पहले भी हुई थी फिर रुक गई थी, हाँ हो रही है अभी हल्के हल्के, लेकिन इतनी उमस हो रही है अंदर, इतनी गर्मी हो रही है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। दक्ष खेलने चले गया है, हाँ 6:30 हो रहा है करेक्ट, और देखो बाहर ऐसा हो रहा है, हल्की हल्की हो रही है बारिश, इसमें अच्छे से दिख रही है नहीं दिख रही पता नहीं, मतलब थोड़ा सा तेज़ हुई थी फिर से हल्की हो गई, लेकिन अंदर बहुत गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा उमस हो गई। तो मैं भी अब एक काम करती हूँ, नहाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, बिना नहाए नहीं रहा जा रहा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आज का पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया इसी वजह से, उमस की वजह से। खाया पिया हम लोगों ने और सो गए हम लोग, सो के उठो ना तो फिर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है इंसान की,
बॉडी अजीब हो जाती है, टूटी टूटी सी हो जाती है। तो दक्ष तो खेलने के लिए गया है, दिन की दाल हमारी बची है, उसके साथ हम लोग चावल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ बना लेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। मतलब चाय भी नहीं पी मैंने आज, सुबह की चाय पी थी। तो नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद अगर मन होगा तो चाय बना लूँगी अपने लिए, चाय पी लूँगी। दक्ष यहाँ पर अपना काम कर रहा है मैथ का, और आज मैंने अपने लिए पार्टी कर रखी है, नमकीन कुरकुरा एक नमकीन मैं यहाँ पर खा रही हूँ, इसमें मैंने नींबू पानी खाई, तो मैंने तो ये बोला था एक ग्लास वहाँ रख देना करके, जाओ चल रहने, इसमें मैं अपना वो वाला पानी पीऊँगी, क्या कहते हैं काढ़े वाला पानी जो है वो मैं लेके आ रखी हूँ। और ये लड़का खाना नहीं खा रहा है, बोल रहा है मैं सिर्फ खीर खाऊंगा करके, क्या ही बोला जाए इसको। तूने अपना चिप्स खा लिया? मैं यहाँ पर बैठी हूँ, नमकीन खा रही हूँ। आज मेरे को बाहर की चीज़ें ही खाने का मन करा था, मतलब जो नमकीन खाने का मन करा था ना वो नमकीन मिली नहीं दुकान में, तो हम ये नॉर्मल वाली खा रहे हैं। दक्ष भी अपने लिए चिप्स लेके आया था, कौन सा चिप्स लाया था तू, रेड वाला? टेस्ट भी नहीं कराया हमने, रेड वाला चिप्स लेके आया था, इसमें भी टेस्ट भी नहीं कराया। और डोरीटोस थे वो भी खाए हमने, वो फ्रूट बॉल्स, हाँ फ्रूट बॉल्स लेके आया था, कभी होता ना कुछ, इसीलिए आज खा ले कोई नहीं, कल से अपनी डाइट फॉलो करेंगे। यहाँ पर ये उसमें फ्राई पैन में मेरा पानी एक ग्लास में डाल दो, डालना खराब हो जाता है, नहीं तो पानी बॉइल करा हुआ। जा यहाँ पर से लेके आ, इसका मैथ का काम चल रहा है यहाँ पे, जो भैया ने टेस्ट लिया था वो दिखा दो, ये मेरा डाइट वाला पानी है, इसमें खाली कर दो, वो मत डालना उसमें, अजवाइन और जीरा भी आ जाएगा साथ में, वो नहीं डालना है ना, वो रहने दे, बस 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 हो गया, हो गया पूरा पूरा, और पीऊंगी ना मैं उसको, दो बार के लिए पीऊंगी। ये दक्ष का ट्यूशन का रजिस्टर है, ये भी खा पी रही।